अच्छा, तो इसकी कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें? इट्स नाइस कि यू नो यूजुअली आप फ्रेंड्स के साथ यू नो यू ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्री लेसन, कोई आपको मिल जाए दोस्तों से, बट यहाँ पे यू नो इट्स अंडर वन रूफ, आपको कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, कुछ ना कुछ यू कैन हैव फन, गेम्स होती हैं डिफरेंट, तो हर आपकी दिलचस्पी चीज़ वेरी गुड फूड आउट देयर। चलिए, तो सारी अच्छी बातें हो गई, आप कुछ बुरी बातें एक दो? वो जो मैंने अच्छी बात बताई थी उसी का अगर हम अपोजिट कर लें कि हर तरह के लोग हैं, देयर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू हैव टू डील विद, एंड I mean it's a new experience aapke liye hota hai. It was amazing, the vibe was good, stalls bhi acche the aur food ki variety bhi zyada thi, it was good. Aur kuch buri baatein? Buri baat lagi hai kuch waise? I think jo singing kar rahe the unke mic issues the, so awaaz ka bhi nahi, ye unhone achhi baat, awaaz was like better but wo mic ki wajah se unki awaaz, mujhe to waise maine bhi attend ki ek do ki achhi thi, baaki to nahi sahi the, bas theek sab acha. Acha, चलें सही, दिल रख रही हैं आप और चलें आप चाहिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वाज समथिंग रियली गुड। और कुछ अच्छी बुरी बातें इसकी यहाँ की? अच्छी बातें ये हैं कि बीबी और बाफ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो थोड़े से अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और बुरी बात ये कह सकते हैं कि थोड़े से रेट्स ज़्यादा हैं, लाइक प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखा हुआ है इन्होंने वैसे चीज़ों का, व्हाटएवर दे डूइंग। अच्छा, आपने कभी यहाँ पे स्टॉल लगाया? Yes, पिछले सेमेस्टर लगाया था। It was roll ice cream for sure. It was the best. Turkish ice cream. Yeah. Yeah. That we wanted to have another one. Turkish ice cream was fun. It was fun. I really liked it. But the roll ice cream, taste wise, it was the best out of all. Turkish ice cream. If you want attention, तो आप वहाँ पे जाओ, because the moment you start, तो सारे आ जाते हैं देखने आपको। अगली दफा आपको यहाँ का मतलब आपने organize किया ये सारा के सारा, तो इसमें क्या अच्छी चीजें देखेंगे हम? Like changes. I think ठीक है सब कुछ। सही है। आपने मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लासेस नहीं ली, इसलिए लोगों की क्लासेस हो रही हैं वो बड़े तंग हैं। नहीं ली इसलिए। हाँ, जिनकी क्लासेस हैं उनको छुट्टी दे दो, क्लासेस मत दो। आई थिंक कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइक होना चाहिए कि रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आई थिंक उस चीज़ को मैनेज करूँगी, और सेकेंडली ये कि एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर यू नो आप लेके चलो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा घिचमिच हुई हुई होती है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। अच्छी बात, बुरी बात तो ये कि क्लासेस होती है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया क्लासेस होती है, टाइम मैनेज नहीं होता हम लोगों का, क्लासेस लो फिर इधर आओ, क्लासेस लो फिर इधर। आई थिंक वन थिंग आई वुड एड इज दैट कि थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट बेहतर होना चाहिए, बिकॉज सम पीपल आर स्टैंडिंग, सम आर सिटिंग, थोड़ा सा क्राउडेड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वेरी मच क्राउडेड, दैट वुड बी वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड। बाकी थोड़ा हाइजीन के हिसाब से करें, बेंस वगैरह, सम क्वालिटी, सम फूड क्वालिटी। एक खोता है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है 26वें फ्लोर पे, ठीक है, और घास जो पड़ी है ना वो पड़ी है ग्राउंड फ्लोर पे, तो बताएं खोता घास कैसे खाएगा? खोता बंधा हुआ है, आ नहीं सकता। यारा बड़ा मुश्किल सवाल पूछ, ये मुश्किल मुश्किल तो पता करना पड़ेगा ना यार। खोता 40वें फ्लोर पे, 26 पे, खैर 40 पे चला गया, बंधा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, क्रेन से चढ़ा दिया है, घास नीचे ग्राउंड पे पड़ी है, हाँ हाँ, और खुद आग खोल के आ नहीं सकता, घास भी ऊपर नहीं जाएगी, उसने घास खानी है उधर ही, कैसे गाएगा? नो आइडिया, मैंने नहीं सोचा, नहीं यार, कोई हार मान लिया, मान लिया, खोते ने भी हार मान ली थी।